जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज मैं यूरोप के टूर पे हूँ। एक्चुअली मैं इटली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए, जो गुरु रविदास सभा है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के एसोसिएशन है इटली में, वहाँ के प्रोग्राम्स के लिए आया था। और मैंने सिर्फ 9 तारीख का संडे जो पिछला गया है और आने वाला 16 तारीख का संडे जो है, ये दो ही डेट्स मैंने इटली के लिए दी थी। लेकिन इटली के लोगों ने और यूरोप के लोगों को जब ये पता चला कि मैं इटली में हूँ और यूरोप में हूँ, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे यूरोप के लोगों ने दिया है कि जो संडेज के अलावा जो वर्किंग डेज होते हैं, क्योंकि फॉरेन लैंड है, यहाँ के कानून हैं, लोग यहाँ पर सोमवार से शुक्रवार काफ़ी व्यस्त होते हैं, अपने कामों में व्यस्त होते हैं, तो इसलिए शनिवार और रविवार ये दो ही दिन मैंने सभाओं के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए रखे थे। लेकिन जब यूरोप के लोगों को पता चला कि मैं यूरोप में हूँ, इटली में हूँ, तो लिटरली सभी ने अपने अपने काम छोड़कर मेरी जो सभाएं हैं पूरे यूरोप में लगाई है। ऑलरेडी अभी भी मैं सफ़र में हूँ, मुझे अभी थोड़ा हॉटस्पॉट हमारे जिमी भाई ने दिया है जो बेल्जियम से है, तो उनके वजह से आज मैं ये लाइव आपके सामने आ पा रहा हूँ। तो ये बताने के लिए मैं लाइव आया हूँ कि यूरोप में बाबा साहब अम्बेडकर जी की, गुरु रविदास जी की ये मूवमेंट कितनी स्ट्रांग है। हर कंट्री में, यूरोप में मेरे ख्याल से 28 कंट्रीज है, 28 कंट्रीज ये यूरोप में आती है, और इन 28 कंट्रियों में गुरु रविदास महाराज जी की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूवमेंट इतनी स्ट्रांग है। मैं कल बेल्जियम में था, तो बेल्जियम में हमारे कुछ महाराष्ट्र के लोगों को पता चला, बंसोड़ जी को पता चला जो नागपुर चंद्रपुर से है, तो वो मुझे मिलने के लिए आए। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, मिलना है तो मैं यहाँ पर गुरु घर में, यहाँ पर मेरी मीटिंग है, आप आइएगा, और गुरु घर के लोग मुझे यहाँ सम्मानित करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र के लोग पहली बार गुरुद्वारा में, गुरु घर बोलते हैं हम लोग, लेकिन जनरलाइज टर्म जो गुरुद्वारा हो गया है, तो गुरु घर में पहली बार आए और वो शौक रह गए। महाराष्ट्र के लोगों के लिए खास बताना चाहूंगा, वो शौक रह गए, वो पूछते कि बाबा साहब की तस्वीर गुरु घर में कैसे। जब मैं यूएस में भी गया तब भी मुझे ये सवाल पूछा गया, महाराष्ट्र के लोग जो बाहर आए हैं वो अपना काम और अपना घर इतना कर रहे हैं, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, ये पंजाब के रविदासी कम्युनिटी या पंजाब के जो महाराष्ट्र के महार्स है, वही पंजाब के चमार्स है। तो ये बाबा साहब के मूवमेंट विश्व तक इन्होंने फैलाई है, गुरु रविदास जी की मूवमेंट विश्व तक फैलाई है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को अभी इस बारे में जानकारी नहीं है। तो इसलिए जब महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर बेल्जियम के गुरुद्वारा से, गुरुघर से जुड़े, तो वो भी उनको भी खुशी हुई कि हमें परदेश में अपना संगठन और बाबा साहब के लोग यहाँ मिले। तो बताना ये था कि मैं इटली में जब आया, 28 तारीख को निकला, 28 तारीख की शाम को आया, और वहाँ से लेकर आज तक मैं कंटिन्यूसली अलग अलग कंट्रियों में यहाँ पर बाबा साहब की मिशन को, बाबा साहब के बैंकिंग सिस्टम को, बाबा साहब के एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे खड़े कर सकते हैं, वो प्रचार और प्रसार यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आज इटली से हम निकले, इटली से निकलने के बाद ग्रीस में गए, ग्रीस में हमने मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन हमने वहाँ पर बिताए। मेरे यहाँ पर ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर ट्रस्ट के कमिटी के भी अध्यक्ष मेरे साथ, यहाँ पर केशव धांडा जी है मेरे साथ, फ्रांस से, पेरिस से सोनू बंगड़ जी है, बेल्जियम से हमारे जिमी भाई यहाँ पर है। मुझे इतना प्यार यूरोप के लोगों ने दिया है कि थोड़ी देर के मुझे लगता है कि मैं कहीं महाराष्ट्र में ही तो नहीं हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, पंजाब के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, गुजरात के हो, आंध्रा के हो, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कहीं भारत में ही तो नहीं ना घूम रहा हूँ। तो परदेश में इतना प्यार मुझे मिल रहा है, गुरु रविदास सभा, गुरु रविदास दरबार, ग्रीस के मैंने आपको फोटोज बताए, पेरिस के भी मैंने आपको फोटोज बताए, बेल्जियम में कल मीटिंग हुई, अभी हम लोग हॉलैंड में जा रहे हैं, आज मेरे ख्याल से हॉलैंड में 2 प्रोग्राम्स है, कल फिर जर्मनी में जाएंगे, और फिर जो मेरे प्री डिसाइडेड 9 और 16 तारीख के प्रोग्राम थे वो इटली में, वापस से वो इटली की भी प्रोग्राम्स, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती का प्रोग्राम हम करेंगे। इसी दौरान मुझे, जब मैं यहाँ लैंड हुआ,
तब मुझे चंद्रशेखर भाई के बारे में पता चला कि उनको किसी ने गोली भी मारने की, उनकी हत्या करने की कोशिश की, फायरिंग उन पर हुई। और मेरे ख्याल से 21 जुलाई को भी मुझे बहुत आमंत्रण है, चंद्रशेखर भाई का भी सुबह मुझे मैसेज था, लेकिन मैं शायद वह जंतर मंतर पे ना पहुंच पाऊँ, तब मैं ट्रैवलिंग में शायद रहूँगा, तो मैं वहाँ नहीं पहुंच पाऊँगा। तो मैं सभी बहुजनों से और बाबा साहब के मूवमेंट को चलाने वाले, गुरु रविदास जी के मूवमेंट को चलाने वाले सभी से अपील करना चाहूँगा कि 21 तारीख को जंतर मंतर पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो और अपनी यूनिटी दिखाओ। हमारा कोई भी बंदा हो, भले हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, भले हमारे कोई भी डिफरेंसेस हो, ईगो छोड़ के, मतभेद छोड़ के, जब हमारे किसी भी बंदे के ऊपर इस तरह से अटैक होता है, वो हम लोगों को समाज बन के इकट्ठा होकर लड़ना होगा, आना होगा, अपनी संख्या दिखानी होगी, ताकि जो हमारे ऊपर पेशाब करने वाले लोग हैं, जो हमें जूते में पानी पिलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये बात पता चले कि हम आज भी इकट्ठा है। चाहे महर्षि वाल्मीकि जी के फॉलोवर्स हो, गुरु रविदास जी के फॉलोवर्स हो, बाबा साहब के फॉलोवर्स हो, या तथागत बुद्ध के फॉलोवर्स हो, हमें अपने, हमारे तो आपस में कोई झगड़े भी नहीं है। क्या मुझे किसी की कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है? क्या हमारे खेत एक में दूसरे के लेने के लिए हम लोग झगड़ रहे हैं? हमारे तो कोई झगड़े भी नहीं है। और इसलिए जो झगड़े नहीं है उसे भी बाजू में रख के हम लोगों को इकट्ठा होना है। मैं आज और एक खुशखबरी आप लोगों को देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फ्रांस और पेरिस के ही गुरुद्वारा में, गुरुघर में जब मैं बैठा था, तो मुझे मेरे साथी है वैभव धबड़गे, इनका मेल आया कि सर हमें बैंक का अप्रूवल, हमारा जो नाम है वो सिलेक्ट हो गया है, हमें अप्रूवल मिल गया है। और ये अप्रूवल मुझे गुरुद्वारा में मिला, मैंने वहाँ पे साइन किए, मेल किए और उनको ये मेल वापस रिवर्ट बैक कर दिए। तो डॉक्टर हमें जो नाम मिला है बैंक का, क्योंकि मैंने कहा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रुपी, जो उनका थीसिस है, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बैंक का नाम हमें जो मिला है वो मैं आज आपको जाहिर करना चाहूँगा। ये बैंक का नाम हमें मिला है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर मल्टी स्टेट, अब ये मल्टी स्टेट नहीं रहा, अब ये मल्टी नेशनल हो गया है। हम लोगों ने डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर मल्टी नेशनल कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण, हमें गुरु घर से ही वो परमिशन मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु रविदास जी के चरणों में ही हमने वो पेपर साइन किए, और मुझे पूरी उम्मीद है ये आने वाले समय में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मल्टी नेशनल बैंक ये पूरे दुनिया की अम्बेडकराइट्स लोगों की, गुरु रविदास कम्युनिटी की, महर्षि वाल्मीकि कम्युनिटी की, संत कबीर के फॉलोअर्स की, बुद्ध के फॉलोअर्स की, ये एक ऐसी बैंक उभर के आएगी जो दुनिया के हमारे एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करेगी, हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को तैयार करेगी। ऐसी अर्थव्यवस्था का काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं, मेरा एक्सपर्टाइज उसमें है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं, मेरी बुद्धि, मेरा पढ़ाई, मेरी जो थीसिस है, मेरी जो एक्सपर्टाइज है, वो इस काम में यूटिलाइज करूँ। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, तो मैं किसी को झूठे वादे करके मुकरना मुझे नहीं आएगा। बड़ी बड़ी रैलीज करके बड़े बड़े भाषण ठोकना मुझे नहीं आएगा। तो मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं एजुकेशनलिस्ट हूँ, तो मैं उस माध्यम से इस मोमेंट को बढ़ाना चाहता हूँ। तो इसी के लिए आज मैं आप सभी लोगों को ये बताने के लिए आया था कि अभी भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बेल्जियम से, हॉलैंड से निकले हैं और डेनमार्क के लिए जा रहे हैं। तो बहुत प्यार मुझे यूरोप की धरती पे मिला, और मैं यूरोप के लोगों से, सभी कंट्री के लोगों से तहे दिल से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा। मेरा ये वीज़ा अचानक 3 दिन पहले आया, यानी 28 को मैं निकला, मेरे ख्याल से 23-25 तारीख को मुझे ये वीज़ा मिला, और वो भी सिर्फ 20 जुलाई तक का ही वीज़ा मुझे मिला, क्योंकि मेरा इंश्योरेंस जो था, जो पेपर्स में था, वो 20 जुलाई तक था। तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मैं यहाँ पर आया। बहुत लोगों को तो अभी भी पता नहीं कि मैं यूरोप में हूँ, क्योंकि मैं आने के बाद से मैंने कभी कोई लाइव नहीं किया। तो मैं आपसे फिर से एक बार, क्योंकि ये मेरा एक इंट्रोडक्शन फेज यूरोप में हुआ ऐसा मैं समझता हूँ,
मैं फिर से दिसंबर में या जनवरी में हम फिर से आएंगे और प्री डिसाइडेड करके सबको आपको अलग अलग डेट्स देकर हम लोग यहाँ आएंगे। बहुत लोगों की कंप्लेंट्स थी कि सर हमें पता ही नहीं था कि आप यहाँ आ रहे हो, ग्रीस के लोग हो, पेरिस के लोग हो, इटली में तो चलो सभी लोगों को पता था, लेकिन बाकी के जो कंट्रीज है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के लोगों को भी बहुत पता नहीं चला। वियना में जहाँ पर संत रामानंद जी की गोली मार के जो मनुवादी विचार के लोग हैं उन्होंने हत्या की थी, उस गुरुघर में भी मुझे वहाँ पर बुलाया गया, सम्मानित किया गया। मैं उनका भी, जितने भी गुरु घर ने मुझे बुलाया उनके सभी प्रबंधक कमेटी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले समय में एक और मेरे साथ धांडा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी बेटी भी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में जॉब पे है, काम पे है, तो उनके माध्यम से हमें संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे भी खुल गए हैं। तो मैंने वैसे ही मेरे जो इंटेलेक्चुअल्स लंदन में हैं उनको फ़ोन किया और उन्हें कहा कि हमें मेमोरेंडम देना है, यहाँ पर हम अंदर जा सकते हैं अभी, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ऑफिस जो स्वीडन में है, जिनीवा में है, वहाँ पर जो ये पेशाब करने का काम हो रहा है, जो जूते में पानी पिलाने का काम हो रहा है, ये सारी खबर, ये सारे रिपोर्ट्स, ये सारा हम लोग तैयार कर रहे हैं और ये रिपोर्ट तैयार करके हम भारत के राष्ट्रपति के सामने ये इसे नहीं प्रेजेंट करेंगे, हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने हम लोगों की ये सारी व्यथाएं वहाँ पर रखेंगे। और इतना ही नहीं, मैं गुरु रविदास कम्युनिटी के साथ बहुत पहले से जुड़कर काम कर रहा हूँ, और सिर्फ यही नहीं, हमने देखा कमल हसन जैसा एक सुपरस्टार, उसने 2 महीने पहले ये बयान दिया कि हम चोला कम्युनिटी के लोग हैं, हम हिंदू नहीं हैं। उसी तरह से कर्नाटक में लिंगायत कम्युनिटी पिछले 25 साल से ये मांग कर रही है कि हम हिंदू नहीं हैं, हमें अपना अलग रिलीजन बना कर दो, हमारा अलग कॉलम बना कर दो। उसी तरह से हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम है, उन्होंने विधानसभा में ये रिजोल्यूशन पास करवाया कि हम आदिवासी हैं, हमें हिंदुओं में ना गिना जाए। अब सीएम ये बात कर रहा है, कर्नाटक के लोग बात कर रहे हैं